हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग इन दिस सेशन एक्सरसाइज 10E क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा सवाल है ये, बहुत बढ़िया सवाल है। इनमें इन्होंने एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दे दिया है 100 घन सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका सरफेस एरिया मैक्सिमम हो, इसके लिए आर की वैल्यू पूछी है। तो सरफेस एरिया पहले तो हम इसे और सॉल्व करते हैं। आयतन कितना होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, ये 100। इक्वेशन 1 इसको यहाँ देंगे, ठीक है। अब हमें अधिकतम सरफेस एरिया माने अधिकतम पृष्ठीय क्षेत्रफल, अधिकतम पृष्ठीय क्षेत्रफल माने मैक्सिमम सरफेस एरिया, ठीक है, मैक्सिमम सरफेस एरिया के लिए। तो सरफेस एरिया मैक्सिमम मतलब सरफेस एरिया होता कितना है इसका, इसका सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2πRh। एक तो इसका कर्व सरफेस और एक नीचे वृत्ताकार है ऊपर वृत्ताकार है, ये तो 2πR² हो गया, ठीक है। अब जिसका हमें अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना है उसको हम वन वेरिएबल फंक्शन बनाएंगे माने एक चर में समीकरण बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये देखना पड़ता है कि यहाँ से मैं h की वैल्यू निकालूं या r की, r की निकालूं, देखो r की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ और यहाँ रखना पड़ेगा, h की वैल्यू केवल एक जगह रखना है। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2πR, और h की वैल्यू आ जाएगी 100 upon πR² और 2πR², ठीक है। अब ये हमारा फंक्शन बन गया r की फॉर्म में, इसको इक्वेशन बंद दे दो या थोड़ा सा और सिंपल कर लो, चलो पाई से पाई कैंसिल कर दो, एक r से एक r कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 200 upon R प्लस 2πR². इक्वेशन नंबर 2, ऑन डिफरेंशिएटिंग इसको डिफरेंशिएट कर दो तो f'r इक्वल टू 200 1/r का डिफरेंशिएशन माइनस 1/r² और ये 4πR। ये इसको दोबारा और कर लो क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम के लिए ज़रूरत पड़ेगी। f'r 200 इस आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आर की पावर माइनस टू करके कर देंगे तो ये आ जाएगा -2R माने 2R³ आ जाएगा फाइनली, और प्लस 4π ये 4। अब लिखेंगे 4 मैक्सिमम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मैक्सिमम सरफेस एरिया के लिए f'r=0। ओके, f'r=0 मीन्स -200 upon R² प्लस का 4πR=0, तो 4πR इधर रहने दो तो ये 200 upon R², ठीक है। टोटल हमें R की वैल्यू निकालनी है, 4πR और इस वाली टर्म को उधर ले गए, R की को इधर ले जा लिया और ये 200 upon 4π। ठीक है, तो R³ आ गया, 4 से ये काट दो कितनी बार कट जाएगा, 4×5=50 upon π। तो R की वैल्यू आ गई 50 upon π³, ठीक है। ये हाँ, एक बात का ध्यान रख लो भाई, सवाल गलत है, सवाल में उन्होंने गलत लिख दिया। क्या गलत लिख दिया, ये बार बार मैं परेशान कर रहा है मेरे को ये सवाल, ये f"R अगर मैं R की वैल्यू कुछ भी रखूं, भाई R नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो R नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये f"R हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव का मतलब हो गया मिनिमम सरफेस देगा, मिनिमम मतलब इसका न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, अधिकतम गलत दिखा रहे हो,
अधिकतम की जगह आप करेक्शन करके उसको मिनिमम सरफेस एरिया ले लो, तो मिनिमम सरफेस एरिया के लिए आर की वैल्यू होगी 50 अपॉन पाई की होल पावर 1/3। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो एक बार सवाल नंबर 22, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। प्रतिरोध हैं R1 और R2 और इनका टोटल है, मतलब संयुक्त प्रतिरोध है 1/R, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस में ये रिलेशन दे दिया है। R1 R2 दो रेजिस्टेंस हैं, आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होगे शायद, सीरीज वाले रेजिस्टेंस का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें R1 R2 दोनों रेजिस्टेंस का टोटल कॉन्स्टेंट बना रहता है, ये सवाल में दे दिया है। अब वो कह रहे हैं मैक्सिमम, मतलब अधिकतम प्रतिरोध के लिए, अधिकतम प्रतिरोध, ये देखो फिजिक्स वाले भी इसका यूज कर सकते हैं, गणित वाले बता सकते हैं कि इस वाली पोजीशन में हमारा प्रतिरोध अधिकतम कब होगा, जब R1 और R2 दोनों क्या हो, बराबर, मतलब उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, तो हम उससे मैक्सिमम रेजिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करें करके लाना है। तो हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, जो चीज़ गिवन रहती है, गिवन ये, तो सबसे पहले जो गिवन होता है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद इक्वेशन इन्होंने ऑलरेडी बनी बनाई दे दी है, अपनी तरफ से कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। अब लिखेंगे ना 1/R = 1/R1 1/R2, ये इन्होंने इक्वेशन दे दी है गिवन, हमें अपनी तरफ से कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। तो 1/R ये एलसीएम ले लेते हैं, R1 R2 एलसीएम ले लिया, तो ये R2 प्लस R1 हो गया 1/R। यहाँ R2 प्लस R1 की जगह क्या रख सकते हैं, सी रख दो, सी R1 R2, ठीक है। अब रेसिप्रोकल कर दो तो R = हो गया 1/C R1 R2, ठीक है, पलट दिया रेसिप्रोकल, मैंने इसको पलट दिया, तो R = 1/C। अब इसको हम वन वेरिएबल फंक्शन बना लेते हैं R1, और R2 की जगह रख लेते हैं हम C - R1 इक्वेशन नंबर सेकंड से, ओके, यहाँ से साइड से R2 की वैल्यू हमने रख दी C - R1, ओके। अब हमारा ये वन वेरिएबल फंक्शन R1 की फॉर्म में आ गया, तो इसको FR1 नाम दे दो। इसके बाद जैसे ही हमारा फंक्शन बन जाए वन वेरिएबल, उसके बाद आप मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट लगाइए यहाँ पर, या लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग F(R1)(1/C), ठीक है, D/dR1, ये C/R1 पहले मल्टीप्लाई करो, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो 1/C R1 का डिफरेंशिएशन C, ये 2R1, ओके, ये F(R1) आ गया। इक्वेशन नंबर इसको तीसरा दे दो, अगेन दोबारा डिफरेंशिएट कर दो इसको F(R1), तो 1/C, C का 0, -2 बचा, माने -2/C दे रहा है ये, तो सीधी सी बात है कि यहाँ हम R1 रखें चाहे R2 रखें, ये हमेशा नेगेटिव देगा। नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम, मतलब अधिकतम प्रतिरोध ही बताएगा यहाँ पर, जो भी कैलकुलेशन होके आएगी R की वैल्यू। अब लिखेंगे 4 मैक्सिमम R के लिए F(R1) = 0, ठीक है। चलिए F(R1) है कितना, ये रहा 1/C, C - 2R1 = 0, तो C - 2R1 = 0, तो यहाँ से आया C = 2R1, तो R1 की वैल्यू C/2 आई है ना, एंड R2 की वैल्यू भी C/2 ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इन दोनों का टोटल C है, तो R1 भी C/2 होगा, R2 भी C/2 हो गया। इसका मतलब लिखेंगे मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए R1 = R2, यही हमें प्रूव करना था।